ओम शांति। बाबा कहते विजय रत्न बनना है तो प्रीत बुद्धि बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज युक्ति बताई। बाबा कहते सदा विजय के उमंग उत्साह में रहो, ना उम्मीदी के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अनेक बार कर चुके हैं। कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, कई बार की हुई रिपीट कर रहे हैं। यह स्मृति विजय बना देगी। अर्थात बाबा कहते कोई भी कार्य जब आप बच्चे बार बार करते हैं, उसका अभ्यास करते करते आप बच्चे अनुभवी मूर्त बन जाते हैं, तो वह कार्य स्वतः और सहज हो जाता है। उसमें सफलता भी स्वतः और सहज प्राप्त होती है। तो यह दृढ़ संकल्प करो, अपनी स्मृति को पक्का करो कि स्वयं भगवान कह रहे हैं, हमने बार बार यह पार्ट बजाया है। हर कल्प में स्वयं भगवान आकर हमें सर्व शक्तियों से सजाते हैं और हमारी स्मृति को पुनः जागृत करते हैं कि तुम ही विजयी रत्न आत्माएं हो। तो सदा बाबा की याद की लगन में मगन रहकर बाबा की श्रीमत अनुसार निश्चय बुद्धि होकर उमंग उत्साह से कार्य करेंगे तो स्वतः और सहज सफलता प्राप्त होगी। आज अमृत वेला में हम विशेष स्वमान लेंगे, मैं आत्मा समय के महत्व को जान। फास्ट सो फर्स्ट आने वाली तीव्र गति की पुरुषार्थी हूं। मैं आत्मा समय के महत्व को जान। फास्ट सो फर्स्ट आने वाली तीव्र गति की पुरुषार्थी हूं। जब अमृत बेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि अब अंत का भी अंत समय है, अब घर जाना है, तो तीव्र पुरुषार्थ स्वतः और सहज हो जाएगा। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा चैतन्य चमकदार सितारा। निराकार बिंदु स्वरूप आत्मा। निराकार बिंदु पिता की संतान, निराकारी दुनिया की वासी हूं।
मैं निराकार आत्मा इस धरा की नहीं हूं। मेरा अविनाशी घर परम धाम शांति धाम है। सृष्टि के आदि सतयुग स्वर्ग में मैं इस धरा पर आई थी। मैं आत्मा जब इस धरा पर अवतरित हुई थी, तब मैं 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक थी। अब इस धरा पर मेरा यह अंतिम जन्म है। अब स्वयं भाग्य विधाता भगवान पिता परमात्मा कालों का काल महाकाल
मुझ आत्मा को अपने साथ ले जाने आया। अपने सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से सजाकर, आप समान मास्टर ज्ञान सूर्य बनाकर ले जाने आया। अपने वरदान द्वारा वरदानी मूर्त बनाकर, आप समान संपूर्ण संपन्न बनाकर ले जाने आया। वही भाग्य विधाता पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं। समय के महत्व को जान, फास्ट सो फास्ट आने वाले, तीव्र गति के पुरुषार्थी बनो। बाबा कहते अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को,
लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। अब अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ने चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा पिता परमात्मा की सर्व शक्तियों को धारण कर
बाप दादा और निमित्त आत्माओं की दुआओं के आधार पर। सदा आगे उड़ने वाली तीव्र गति की पुरुषार्थी हूं। मैं आत्मा समय के महत्व को जान। फास्ट सो फर्स्ट आने वाली तीव्र गति की पुरुषार्थी हूं। मैं आत्मा समय के महत्व को जान। फास्ट सो फर्स्ट आने वाली तीव्र गति की पुरुषार्थी हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले। मैं आत्मा समय के महत्व को जान। फास्ट सो फर्स्ट आने वाली तीव्र गति की पुरुषार्थी हूं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ और नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।